और दूसरे छोटे प्लॉट में 8 फीट। ये मुख्य प्लॉट में कितनी 2 फीट रहेगा, छोटे प्लॉट में एक प्लॉट में 4 फीट, एक प्लॉट में 8 फीट रहेगा। वो इसलिए कि हमें भी तसल्ली हो और हमारे जो विरुद्ध खड़े उनको भी जवाब मिले, इसलिए वो रखना है। नंबर एक में गन्ना लगाना है। नंबर एक में ऊपर की तरफ ढलान पर पैच लगा देना है। पैच और गन्ने का बहुत ही बढ़िया सहजीवन होता है। पैच के पत्तों का आकार पिरामिड जैसा होने से सबसे ज़्यादा ऊर्जा संग्रहित करने का काम पैच करता है। नंबर दो नाली में गन्ने के तरफ झाड़ी वाला लोबिया, सोयाबीन, उड़द, चना, मूंग, बीन्स, मेथी जैसी दलहन के बीज डाल दे। दलहन के बीज, उस ऋतु में आने वाले दलहन के बीज। दूसरे दाहे बाजू में आकृति में दिखाए अनुसार मिर्च और गेंदा लगा दे। नंबर दो में दाहिने बाजू में मिर्च और गेंदा लगा दे। दो के बीच में अंतर 6 इंच होना चाहिए, केवल 3 इंच से लेकर 6 इंच रखिए। नंबर चार में गन्ने के तरफ दलहन लगा दे, मैंने दिखाया यहाँ, नाम भी दिए हैं, जैसे झाड़ी लोबिया है, उड़द है, मूंग है, बीन्स है, मेथी है, सोयाबीन है, चना है, ऋतुनुसार। और बाहे बाजू में मिर्च गेंदा लगा दे। नंबर तीन नाली में दोनों तरफ घर में जो खाते हैं वो लेना है, जैसे अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जियां, बासमती भी ले सकते हैं, सब्जियां भी ले सकते हैं, हाँ मक्का भी ले सकते हैं। सब हमको जानवर, हमारे पशु को जो चाहिए वो सब ले सकते हैं, वो उसके लिए आरक्षित है। घर की सारी आपूर्ति उसमें से हो जानी चाहिए। लाइन ऐसी लाइन ले जाना है, एक एक फीट अंतर पर दो दो दाने डाल देना है। वो भी घेराव करता है ना, पौधा बढ़ता है। अब लिखे जीवामृत। गन्ना लगाने के बाद प्रति एकड़ 200 लीटर जीवामृत महीने में एक बार या दो बार दे देना है, सिंचाई के पानी के साथ। प्रति एकड़ 200 लीटर जीवामृत महीने में एक बार या दो बार सिंचाई के पानी के साथ दे देना है। छिड़काव लिखे, जीवामृत का छिड़काव। गन्ना लगाने के एक महीने के बाद पहला छिड़काव मुख्य फसल और सौ फसलों पर। प्रति एकड़ 100 लीटर पानी 5 लीटर जीवामृत। पहले छिड़काव से 21 दिन के बाद दूसरा छिड़काव प्रति एकड़ 150 लीटर पानी 10 लीटर जीवामृत। दूसरे छिड़काव के 21 दिन के बाद तीसरा छिड़काव प्रति एकड़ 200 लीटर पानी 20 लीटर जीवामृत। तीसरे छिड़काव के 21 दिन के बाद चौथा छिड़काव प्रति एकड़ 200 लीटर पानी 5 लीटर खट्टी लस्सी, खट्टा मट्ठा। चौथे छिड़काव के एक महीने के बाद पांचवा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी 20 लीटर जीवामृत। पांचवे छिड़काव के बाद छठा छिड़काव एक महीने के बाद 200 लीटर पानी 20 लीटर जीवामृत। लेकिन उसके बाद 200 लीटर पानी में 20 लीटर जीवामृत
मिलाकर हो सके तो हेलीकॉप्टर से छिड़किए, हेलीकॉप्टर से छिड़किए, क्योंकि संभव नहीं है। ठीक है ना, अगर सरकार की कोई है योजना हेलीकॉप्टर से छिड़कने की? ठाकुर साहब कोई है योजना है आपकी सरकार की? है बोलते ठाकुर साहब, बोल रहे हैं बोलते। हाँ, अब लिखिए खरपतवार। पहले 3 महीने तक निराई गुड़ाई करके खरपतवार का नियंत्रण करना है, उसके बाद केवल काट कर आच्छादन करना है। दलहन लिखिए, दलहन गन्ने को मिर्च और दलहन गन्ने को मिर्च और अन्य फसलों को नाइट्रोजन देगी। गन्ने की पूरी आयु को 3 ने अगर हमने भाग लिया, डिवाइड किया, बांट दिया, तो 1/3 माने 4 महीने गन्ने का बचपन आता है। इस बचपन में गन्ना ऊपर तेजी से बढ़ता नहीं, इन 4 महीनों में गन्ना ऊपर तेजी से नहीं बढ़ता, बहुत मंद गति से बढ़ता है, लेकिन जड़ें तेज गति से बढ़ती हैं। इन 4 मासों में जड़ें तेज गति से बढ़ती हैं, गन्ने को बड़ा ठोस आधार उपलब्ध करती है। पैच, गेंदा और दलहन की फसलें 3 से 4 महीने की होने से अपनी आयु गन्ने के बचपन में ही समाप्ति करती है, जिससे उनकी आंतर फसलों की और गन्ने के पत्तों की सूरज की रोशनी लेने के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं होती। गन्ना दक्षिणोत्तरी लगाना है, दक्षिणोत्तर कतार में लगाना है, दक्षिणोत्तर दिशा में, क्योंकि सूरज का दक्षिणायन भ्रमण काल बारिश काल होता है, नैऋत्य और ईशान्य बारिश का काल होता है, मानसून का काल होता है, और गन्ने के तेज वृद्धि का काल भी होता है। जून 21 से लेकर 20 दिसंबर की इस 20 दिसंबर तक की इस दक्षिणायन काल में सूरज की किरणें दक्षिण दिशा से आती है, गन्ने के हर पत्ते पर उपलब्ध होती है। उत्तर पूर्वी दिशा से लगाने से केवल एक ही साइड के पत्तों पर गिरती है, दूसरे साइड पर नहीं गिरती, इसलिए कौन सी दिशा होनी चाहिए? दक्षिणोत्तर दिशा होनी चाहिए। अगर ढलान ज्यादा है तो दिशा नहीं देखना है, अपोजिट टू डायरेक्शन, अरे अपोजिट स्लोप, म्हणजे ढलान के विरुद्ध दिशा में कतार लगाना है, नाड़ी निकालना है, बारिश को रोकना है, मिट्टी को रोकना है, तो किस दिशा में लेना पड़ेगा? ढलान के आड़ा, हाँ, विरुद्ध दिशा में, है ना। अब लिखिए जल व्यवस्थापन, जल प्रबंधन। गन्ना लगाने के पहले 3 महीने तक हर नाली में पानी, पानी के साथ जीवामृत। 3 महीने के बाद नंबर 1 नाली में पानी बंद, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 में पानी। गन्ना लगाने के 6 महीने के बाद केवल नंबर 3 को पानी, नंबर 1 बंद, नंबर 2 बंद, नंबर 4 बंद, यानी परिवार को पानी केवल। ठीक है ना। अब लिखिए जब हम नंबर 1 में पानी बंद करते हैं, नंबर 2 में पानी देते हैं, उसके बाद 2-4 बंद करते हैं, नंबर 3 में पानी देते हैं ना, 6 महीने के बाद। शुरू में हम नंबर 1 को पानी बंद करते हैं, बाद में नंबर 2 नंबर 4 को पानी बंद करते हैं,
पानी केवल नंबर तीन में लेते, तो वापसा लेने के लिए जड़ कहाँ आती है? नंबर तीन में आती है। लिखिए, तो वापसा लेने के लिए जड़ नंबर तीन में आती है, तो उसकी क्या बढ़ती है? लंबाई बढ़ती है, तो जड़ की लंबाई बढ़ती है। जड़ की लंबाई बढ़ती है तो जड़ की क्या बढ़ती है? गोलाई बढ़ती है। जड़ की गोलाई बढ़ती है तो तना की गोलाई बढ़ती है। तना की गोलाई बढ़ती है तो तना की ऊंचाई बढ़ती है। तना की ऊंचाई बढ़ती है तो पत्तों की संख्या बढ़ती है, और पत्तों की संख्या बढ़ती है तो खाद्य निर्मिति बढ़ती है, और खाद्य निर्मिति बढ़ती है तो टनेज उपज घटने का बढ़ती है, उपज बढ़ती है। पांच पांच किलो का एक एक गन्ना, सात सात किलो का एक एक गन्ना, भारतीय सैनिकों को बंदूकों मत दे, ये झुरुबज का गन्ना दे, फिर पाकिस्तानी भाग जाएंगे। एक एक गन्ना आप आकर देखे तो सही, आपको मालूम पड़ेगा। समझ में आया? हाँ, लिखे, प्याज और दलहन की फसलें और गेंदा निकलने के बाद, प्याज दलहन और गेंदा निकलने के बाद उनके अवशेष गन्ने के दोनों ओर आच्छादन के लिए डाल दे। मिर्च का आयुष समाप्ति के बाद मिर्च के अवशेष नंबर दो नंबर चार में डाल दे। इस विधि से एक आंख में से कम 12 से लेकर 18 गन्ने मिलते ही है। पहले साल 18, टीबी पेशेंट माँ है, बाद में बढ़ते जाते हैं, जब से ह्यूमस बनता जाएगा तो आगे प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। यानी प्रति एकड़ 40,000 गन्ने मिलते ही है, यानी प्रति एकड़ 40,000 गन्ने मिलना ही है किसी भी हालत में। तो एक किलो का हो गया तो कितना टन हो गया? 40 टन हो गया, है ना। डेढ़ किलो होता है तो 60 टन हो गया, दो किलो तो 80 टन हो गया। समझ में आया? अब लिखिए रटून, पीढ़ी पीढ़ी, लिखिए पीढ़ी रटून। गन्ना कटने के बाद गिरे हुए पत्तों को सूखने दे, बाद में नंबर एक के पत्ते नंबर एक में दबाए, और नंबर दो के पत्ते भी नंबर एक में डाले। नंबर एक के पत्ते नंबर एक में, नंबर दो के पत्ते भी नंबर एक में। उसी तरह नंबर तीन के पत्ते नंबर तीन में, उसी तरह नंबर तीन के पत्ते नंबर तीन में, और चार के पत्ते कहाँ? नंबर तीन में। चार के पत्ते भी नंबर तीन में। आच्छादन डालते समय ख्याल दीजिए कि गन्ने के खूंट दबने न पाए, अंकुर निकलने के लिए वो खाली रहे। बाद में खाली नाली में नंबर दो में नंबर चार में खाली नाली में तीन नालियां निकाले, खाली पट्टे में, खाली पट्टे में तीन नालियां निकाले, एक दो तीन। नंबर एक नाली में बाएं बाजू में गन्ने के तरफ दलहन, दाहे बाजू में मिर्च और गेंदा,
नंबर एक में बाएं बाजू में दलहन और दाएं बाजू में मिर्च और गेंदा, नंबर दो में परिवार, नंबर तीन में बाएं बाजू में मिर्च गेंदा और तीन ने गन्ने के ओर दलहन। दोबारा मैं दोहराऊंगा, नंबर एक में बाएं बाजू में दलहन, दाहिने में मिर्च गेंदा, नंबर दो परिवार, नंबर तीन इधर मिर्च गेंदा और दाएं बाजू में दलहन। लिखे जीवामृत, प्रति एकड़ 200 लीटर जीवामृत महीने में एक बार या दो बार दे दे, जीवामृत का छिड़काव करे। रेटून नंबर एक, पीढ़ी नंबर एक हुए है ना, जीवामृत का छिड़काव करे, खरपतवार का नियंत्रण करे, हाँ जल व्यवस्थापन। अंतर फसलें शुरू होने के बाद 6 महीने तक हर नाली में पानी, एक में पानी, दो में पानी, तीन में पानी, 6 महीने के बाद एक बंद, तीन बंद, केवल दो को पानी, एक को बंद, तीन को बंद, केवल दो को पानी 6 महीने के बाद, हो गया। हाँ, सब फसलें लेने के 1 महीने के बाद आच्छादन के नीचे तक नमी चढ़ जाएगी, आच्छादन के नीचे तक केशाकर्षण से नमी चढ़ जाएगी, उस समय आच्छादन को बीच में छेद करके, बड़ा छेद करके, तरबूज खरबूज खीरा के बीज लगा दे। आच्छादन को छेद करके 3 फीट अंतर पर 2 बीज बीजामृत का संस्कार करके तरबूज खरबूज अथवा खीरा ककड़ी के डाल दे। वो अंकुरित होकर छेद में से ऊपर आएंगे और आच्छादन पर फैलेंगे। ये हुआ दूसरा, है ना, आपने लिखे तीसरा पेड़ी, थर्ड पेड़ी। दूसरे साल जहां आच्छादन था वहां तीसरे साल क्या होना चाहिए, सब फसलें, राइट। जहां दूसरे साल आच्छादन था वहां सब फसलें, जहां सब फसलें थी वहां आच्छादन। हर साल जगह बदलना है, एनडीए यूपीए, यूपीए एनडीए, मंत्री पद कहीं तो भी मिल जाएगा। ऐसा 1000 साल तक रटून लेना है, पेड़ी लेना है, वही के वही। जहां दूसरे साल आच्छादन था वहां तीसरे साल सब फसलें लेना है, और जहां सब फसलें थी वहां क्या लेना है, आच्छादन। इस तरह हर साल जगह बदलना है, क्या बदलना है, जगह बदलना है। जिसके पास सत्ता है उसके पक्ष में जाना है। इस तरह कितने रटून लेना है, 1000 साल तक केवल पेड़ी लेना है, और मरते समय मोबाइल लेकर ऊपर जाना है पूछने के लिए कि क्या स्थिति है, नहीं तो ऊपर का पासवर्ड हम आपको बताएंगे। लिखिए गन्ने का 9वां रटून, 9वीं पेड़ी। बाला साहब खुले, फोन नंबर 08605436298, ग्राम डाक वलन, तालुका राहुरी, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। कितना फीट है अंतर, कितना फीट हुआ उनका दो गन्नों के बीच में, 12 फीट। कितना फीट है अंतर, 12 फीट। और 9वां पीढ़ी गुड़ बनाते हैं,
घर में जो कुछ है वो 12 फीट में लेते हैं। दूसरा लिखिए आठवां पीढ़ी, डॉक्टर प्रमोद भगत, ग्राम डाक तालुका बारामती, जिला पुणे, महाराष्ट्र। उनका नंबर लिख लिए 09823199963। मधुकर पिसाल, ग्राम पोस्ट होल, हाँ HOL होल, तालुका बारामती, उसी तालुका में, दोनों देख सकते हैं आप। 09096575951। तो साथियों कितने बज गए? 4:15 बज गए, 6 बजे ट्रेन है। तो मुझे लगता है मेरा नंबर लिख लीजिए, मेरा नंबर मत लिख लीजिए, पर्सक में है, पर्सक में है, पर्सक है आपके पास, बस उसमें है। तो आप सुबह शाम मुझे फोन करिए, कोई समस्या है, अभी समय नहीं है, तो उस समय हम चर्चा कर सकते हैं।